माइग्रेन या सिर दर्द, एक ऐसी बीमारी जो कि हर घर में दूसरे या तीसरे आदमी को जरूर है। मुझे तो है ही, आप लोगों को पता है, आप मुझे पिछले 2 सालों से देख रहे हो, तो कितनी सारी हम मेडिसिन खाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये किस वजह से हो रही है आपको, ये कंप्यूटर जैसे कुछ आजकल जो जमाना है ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे भी हो सकती है, फोन से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, गर्मी की वजह से, किसी भी वजह से सिर दर्द एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी को मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए लिवो हेल्थ, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लिवो हेल्थ ने बनाया है एक बहुत ही अच्छा देसी, बिल्कुल प्योर नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, माइग्रा मुक्ति, जिसका नाम है माइग्रा मुक्ति टी। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, साइड में चल रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको, मतलब मैं बता रही हूँ कि इसको कैसे बनाना है, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसको बस आपने 1 टीस्पून लेना है, उसको उबालना है, साथ में आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, उसको उबालना है पानी में। और अगर आप इसमें मीठा चाहते हैं तो गुड़ डालना, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीनी जो होती है वो रासायनिक केमिकल जो भी बनावटी होती है, गुड़ बिल्कुल प्योर होता है, तो इसमें गुड़ पड़ेगा अगर आप शुगर फ्री हैं तो। अगर आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम है फिर आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए मीठा बिल्कुल ही। और इसको छान के आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है, एक सुबह या शाम को। और बाकी इसके बारे में आप डॉक्टरों से भी राय ले सकते हैं, और लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसके जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से बता रही हूँ, और वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको पीने के 10-15 मिनट बाद आपके सिर का जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार पीने से फिर कभी लगेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यह है कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं उनमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को डैमेज करती हैं। आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं आजकल के टाइम में, तो आप ये चीज़ ज़रूर लें। और ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये मेरे कहने पर ज़रूर लें। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं कुछ आपको इसके बारे में, मतलब इसमें सारी आयुर्वेदिक चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, बाकी इसको इसके ऊपर प्राइस सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप इसको मतलब लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो वहां से जाके आप इसको जरूर जरूर जो है खरीदें। और एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ, इसके बारे में अगर आप गूगल पे भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत से लोगों ने इसको यूज़ किया और उनके सिर में फर्क, मतलब दर्द से बहुत ज़्यादा आराम हुआ। और अभी मैं ये, अब मुझे एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये जो है मतलब इसी से एक ही पैकेट से आराम हो जाएगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, या दूसरा फिर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने भी कहीं देखा था तो फिर ये मैंने भी मंगवाया था, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, मुझे मतलब ये तो नहीं मैं बोल सकती कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो आप ज़रूर इसको ले सकते हैं, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाइए और इसको लीजिए। मैं ज़रूर ज़रूर बोलूँगी आप लोगों को कि इसको ज़रूर लें, एक बार मेरे कहने पे ज़रूर लें, और आपको अगर फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप मेरे को दोबारा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या ऐसे हुआ। मतलब बहुत से लोगों ने लीवो हेल्थ, मैं फिर से बता देती हूँ, लीवो हेल्थ जो है 100% देसी आयुर्वेदिक इसमें जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, 100 ग्राम नेट वेट में ये आता है, और हेल्प इन माइग्रेन नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। देखो धीरे धीरे खत्म होती है हर चीज़, एकदम खत्म नहीं होती। अगर हम ये सोचे कि आज भी आराम तो हमारे को हो जाएगा, लेकिन जड़ से अगर मिटाना है तो फिर हमें इसका सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो देख लेते हैं, जय माता दी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी जो है शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, और मैं पता पार से आई अभी चाय चुए देखे, आज मेरे ना 2 बार जाना पड़ेगा, मैं 2-3 बार हो गई आज बाहर, तो सुबह फिर उसके बाद 10-11 बजे, फिर अभी 3, और अभी फिर से जाऊंगी 4 बजे, 4 बार हो जाऊंगी, और इतनी बार आर पार जाना कोई आसान काम नहीं। रिशु बिंदलिया, और एक बिंदलिया मेरे को भेजा होना, मेरे मैंने नहाई थी ना तो मैंने बिंदी नहीं लगाई थी, तो रिशु से मंगवा रही हूँ मैं। क्या है आज, आज के रिशु की मम्मी जो है ना वो गई है अपने मायके, और आज मैंने करना उसकी गायों का काम, तो मैं जा रही हूँ रिशु के साथ गोयनी। रिशु बाल्टियाँ वगैरह लेके चलेगा ना फीड वगैरह गायों को, तो रिशु घर पे ही है, उसके पेपर लगे हैं पक्के, और गर्मी अच्छी खासी हो गई आजकल, हद मतलब
मतलब काफ़ी हो गई, इतनी होती नहीं थी वैसे तो। अभी ऊपर नहीं मेरे से जाया जाता, मैं ऋषु को बोल रही हूँ कि बाहर लेके आ जा बिंदी। आ जा दे रहे, तो ये देखो हम लोग जा रहे हैं और अभी मिलते हैं पुराने गोहनी में। अच्छा तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ गाय दूने अपनी देरानी की। ये है गाय और ये मैं हूँ। अरे और देखो पीछे कहाँ है मेरे गाय खड़ी हुई। हे भगवान, इस गाय ने अगर मेरे ऊपर एक खूंटा भी रख दिया ना तो मैं तो गई। और पता है ये गाय लात मारती है, ऋषु लात मारी ना। तो अब मैं दूध लेती हूँ। अरे सीधे सीधे थी मुंह बात है। अब मैं इसको ना दूध लेती हूँ तो फिर मैं उसके बाद करूंगी बात। पीछे देखो पीछे शालू है, इसका नाम शालू है। इधर का नाम ऋषु कालो, इसका नाम काली है, पर ये काली बहुत खराब है। हाँ मैं ना इसका थन धो लेती। तो ये देखो अभी खाने को दे दिया और यहाँ है बच्ची रानी। क्या नाम है सर? ऋषु छुन छुन इकड़ा नाम है चुन चुन। ये देखो ये चुन चुन है, चुन चुन से मिली है। ये है शालू की। और ये देखो, तो ये देखो खा रही है। अभी इनको दाना बाड़ा दे दिया खाने को और इधर और ये देखो दूध मिला दिया ऋषु ने। अभी जाएंगे डायरी में देने। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पुराना जमाना याद आ गया। और ये देखो हमारी खुरलियाँ बहुत अच्छी बनी है हमारी खुरलियाँ यहाँ की। और ये दीदी का घर है। दरवाजा दे दे। ना ना तो ये देखो। और चल तो दे दरवाजा। ये हमारी पुरानी पड़ैणी है, पड़ैणी जिसको हम बोलते हैं दराटियां पड़ाने की पड़ैणी। दागलों में देखो कितने अच्छी कॉम्पले आ गई ना। ये गोट बनाए हुए यहाँ पे गांव वालों का है। और ये देखो वो मेरा दागला। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मेरा दूसरा फोन। अच्छा इतने जी चलो मैं अभी चल पड़े घर को। ये कैसे सी जी थी? तो 5:22 हो गए और अब मेरे को जाना पड़ेगा अपनी गोहनी में। मेरे को अपनी गाय भी तो ढूंढनी है और सुबह फिर मैं और ऋषु आएंगे अंधेरे अंधेरे में। जल्दी जल्दी चलो जी चलो। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, रहने के पापा आ गए सामान लेके। ये क्या दिए इन्होंने मेरे को? वाकई में चेरी। इस साइड को, इस साइड को दिखाते हैं, इस साइड को तब दिखेंगे, इस साइड को। हाँ अरे वाह, ये कहरी चेरी तो चीनी चीनी लगाई है इसमें ये करके। ये देखो अच्छी है। मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न और यहाँ पे बना रही हूँ चाय काम वालों के लिए। और यहाँ पे हनी के पापा सामान लेके आए। आटा नहीं था रहा वो घर में, आटा लेके आए। और ये पता नहीं क्या क्या बेसन है। ये हमारे जो है पॉपकॉर्न है और मैं लेके जा रही हूँ इसमें चाय मैंने डाल दी है। ये देखो तुसा खान। हाँ जी राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बोलते मेरा ना पूरा फोटो लो, मैं ना लाल कुर्ते में और सफेद पजामे में बहुत अच्छा लग रहा हूँ और टोपी लगा के मैं पूरा पहाड़िया लग रहा हूँ। ये लो जी, ये लो, जय माता दी कर लो। जय माता दी। तो बात अभी तो करनी होती है आगे से। कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ, ये देखो शायद नहीं है अब वो घर है। हम जा रहे हैं खाना देने, खाना खिलाने जा रहे हैं। मैंने वैसे जाना नहीं था पर मैं भी जा रही हूँ ऐसे ही।
थोड़ा सा घूमते हुए। और टाइम पता क्या हो रखा है, अभी 1 या 1:30 बज गया होना, 1:15। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि पता है मेरे ना कल मैंने ना पर मैं रोना नहीं रोऊंगी अब, ठीक है, सीधी जो बात, मुझे नहीं लगता दुनिया पहले ही अपने दुखों से दुखी है, ऊपर से हम यूट्यूबर भी बैठ जाते हैं अपना रोना लेके। लो बताओ कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए कोई, हर तरफ, मेरे को गाना याद आ रहा है, हर तरफ है कोई कातिल, कहाँ जाए कोई। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ अब टाइम, हाँ 1:30 बजे का टाइम, इस तरह का कुछ नज़ारा होता है। नज़ारा तो एक जैसा ही होता है, क्या पता लगता है कि 1 बजा है कि कितना। तो चलो अब मैं इनको आगे करती हूँ, और वो रहा हमारा प्यारा सा सुंदर सा घर। और पर मैं वैसे बता देती हूँ क्योंकि मेरे से ना बिना बताए तो रहा भी नहीं जाएगा। मैं कल मैं जाली में पेंट किया मैंने, और मेरा एक साइड मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे पता था आप लोग मुझे डांटोगे कि क्यों कर रही है काम जब तेरे को प्रॉब्लम होगी। तो खासकर कुछ दीदियाँ मेरी ऐसी है, तो फिर मैं लग गई करने, मैंने कहा चलो कुछ पैसे बचेंगे, वो पैसे के चक्कर में फिर ये बाकी घर के लोग और काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल में थे, स्कूल थे यानी कि पापा घास को चले गए थे, सामान लाने गए थे, धारला रंग कम हो गया था, जो पेंट था ना वो कम हो गया था, तो फिर मैं भी लग गई साथ में करने। और मेरी ना एक साइड बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई, टांग, बाजू, सिर, आंख, एक एक साइड का सब कुछ फ्रैक्चर हो गया। तो इस वजह से तो अभी आपको घर दिखाती हूँ अपना, और वो है हमारा प्यारा सा सुंदर सा घर, हरे हरे नेचुरल कलर की, हमने नेचुरल कलर इसको बोलते हैं, नेचुरल कलर। तो चलो हम पहुंच गए हैं टिफिन लेके। हाँ आज हमने ना मिक्स दाल बनाई है, शाम को मटर पनीर बनाएंगे, एक दिन भी सोचा था कि बनाऊंगी। और आज फिर यहाँ पे हमने बुलाया था किचन की, सोच रहे हैं कि कपबोर्ड मतलब एलुमिनियम के लगवा दें, तो बुलाया था ऐसे पता करने को कि देखते हैं क्या रेट है, किस तरह से वो ये करते हैं। तो यहाँ पे नाप रहे थे ये भाई, और ये काम वाले जो लगे ना हमारे शुक्ला और दूसरे भैया, इन्होंने बुलाया था है, तो लिख रहे थे, नाप रहे थे। बाकी आप लोग भी बताना कुछ आइडियाज़ कि किस तरह से क्या, अभी सोच ही रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि बनवाना है, बनाना ही बनाना है, लेकिन आज बुलाया था ठीक है। और बस सोच रहे हैं, बजट देखेंगे, अगर सही सही रेट में पड़ जाएंगे तो ठीक है, बाकी हम मॉड्यूलर किचन नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत खर्चा आता है। तो देखिए अपना बजट देखना पड़ता है, वो मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगा, गाँव में उतना वो सक्सेस है भी नहीं, क्योंकि हमें तो काम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इतना सफाई पे हमारा ध्यान, सच्ची बात बताऊँ नहीं वो हो पाता, अकेले आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बच्चे स्कूल रहते हैं और जो है क्या बोलते हैं वो काम पे रहते हैं। शुक्ला किस तरह देख रहा है। तो चलो करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय माता दी।